हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो WPS ऑफिस को लेकर के। WPS ऑफिस के अंदर जैसा आप एक्सेल में करते हो आमतौर पे, वैसे WPS ऑफिस के अंदर अगर आपको फ्लैश फिल करना हो, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर ये तीन ही नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये नाम और भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक और नाम मैं डाल देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से ये नाम डाल दिया, और भी नीचे नाम आ सकते हैं चाहे जितने भी आ जाए। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम ये जो नेम है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दोनों को अलग अलग करें। तो जनरली करते क्या है, आप यहाँ पे राम लिखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे सिंह लिखेंगे। तो ये जो है काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर चार ही नाम लिखे हुए तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे, लेकिन जहां पर 40-400 नाम हो या 4000 नाम हो, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ये नाम होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में कैसे इसको करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप एक्सेल में करते हो बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर भी दोहराना है। यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे राम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नीचे आइए और आप कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बाकी सारे नेम जो है आ गए हैं, ठीक है, इसी सीरीज में। और बाकी यहाँ पे सिंह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंह एक बार लिख दीजिए और नीचे आइए और कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, बाकी सारे नाम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।